वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट, एक वर्टिकल वाइस हमने यहाँ पे क्रिएट किया है जिसमें रिवर्स फॉरवर्ड दो टाइप के जॉ लगे हुए हैं। सिंपली हम यहाँ से इस स्क्रू को रोटेट करेंगे तो देखिए इस तरह से दोनों जॉ वर्क कर रहे हैं। ये ऊपर की साइड में जा रहा है, ये नीचे की साइड में जा रहा है। सिंपली ये मशीनरी वाइस है, किसी लेथ मशीन पर या किसी बेंच पर फिट किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग कोई भी स्लॉट या कीवे बनाया जाता है। पीछे की साइड में इसके एक और स्क्रू लगा हुआ है जो मेन स्लाइड है इसकी, तो यहाँ से ये वाइस हम असेंट्रिकल सेट कर सकते हैं, इसका जो भी पोजीशन है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये इसके सारे पार्ट्स किस तरह से क्रिएट होंगे वो हम एक एक करके बनाने वाले हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा फ्री का ज्ञान आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल, इसका डायमेंशन है 125। ओके, फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेस, ब्लाइंड कंडीशन मिड प्लेन और इसकी हाइट रहेगी 185 mm। फिर से टॉप प्लेन हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन हम क्रिएट करेंगे। लाइन टूल एक्टिवेट करना है, इससे पहले एक और सेंट्रल लाइन हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। लाइन टूल एक्टिवेट करना है और यहाँ से एक स्केच क्रिएट करना है। मिरर एंटिटी, इन सभी लाइनों को सिलेक्ट करना है और मिरर अबाउट दिस लाइन। फिर से मिरर एंटिटी, सिलेक्ट दिस लाइन, एंड मिरर अबाउट दिस सेंटर लाइन और ओके करना है। अब हमें इस पे डायमेंशन सारे इसके अप्लाई करने हैं। सेवेंटी एट एम एम, नाइन्टी फाइव एम एम, इस लाइन और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन इक्वल। फोर्टी एम एम, फिफ्टी टू, यहाँ से इसकी हाइट रहेगी 18 mm। और यहाँ से इन दोनों के बीच का गैप रहेगा 10 mm। तो देखिए हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया है।
सिंपली यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। ओके, देखिए हमारी दोनों साइड में ये कटआउट लग चुके हैं, फिलेट। फाइव एमएम अंदर के इन कॉर्नर पे हमें फिलेट अप्लाई करनी है। और ओके कर देना है। सिंपली इस फेस को सिलेक्ट करना है और स्केच यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट करेंगे। इसका डायमेंशन 9 mm। इंसिडेंट रिलेशन इसका डिलीट करना पड़ेगा पहले। इसका भी डिलीट करना पड़ेगा। ओके, अब सही है। अब इसका डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे 9 mm। सिंपली यहाँ पे हमें एक टैप होल क्रिएट करने हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट की है और यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर देंगे और इसकी इसकी गैप यहाँ से 25 mm अप्लाई करनी है हमें। इस पॉइंट को इसके साथ मेक रिलेशन कोइंसिडेंट और ओके कर देना है। इसको एग्जिट कर देना है। फेस को सिलेक्ट करना है और होल विजार्ड में जाना है हमें। होल विजार्ड में जाने के बाद यहाँ पे टैप होल सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट अनसीमेट्रिक, यहाँ पे टैप होल और 6x6x1 ये थ्रेड हमें सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे ब्लाइंड कंडीशन अप टू नेक्स्ट और पोजीशन सेट करनी है। जो हमने यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट किया था, सिंपली वहाँ पे ले जाके इसको क्लिक कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारा टैप होल क्रिएट हो चुका है। लिनियर पैटर्न में जाना है। यहाँ पे इसके डायरेक्शंस यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो फीचर था हमें 6 mm टैप होल उसको सिलेक्ट करना है और इन इनकी गैप रहेगी 45 mm। फोर नंबर ऑफ पैटर्न ओके। मिरर में जाना है, सिलेक्ट फ्रंट प्लेन होल एंड लिनियर पैटर्न ओके। थ्रेड शो नहीं हो रहे हैं तो इसके लिए सेटिंग में जाना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी डिटेलिंग और यहाँ पे शेडेड कॉस्मेटिक थ्रेड इसे टिक कर देना है। फिर से इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल हम क्रिएट करेंगे। डायमेंशन अप्लाई करेंगे
30 mm, थर्टी बाय 52। थर्टी टू बाई 52। ओके, सिंपली इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करके मेक रिलेशन वर्टिकल। ओके, और ओके कर देना है। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है। ब्लाइंड कंडीशन, इसकी लेंथ रहेगी 30 mm, रिवर्स साइड। ओके, मिरर, मिरर अबाउट राइट, मिरर राइट प्लेन, और जो हमने यहाँ पे बॉस एक्सट्रूड किया था वो सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच, सिंपली यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट करना है। इस तरह से, और यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करना है होल कंट्रोल की, और इस लाइन को सिलेक्ट करना है मेक रिलेशन कोलिनियर, और ओके। देखिए हमारा ये स्केच फुली डिफाइन हो चुका है। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस बेस, इसकी भी हाइट 30 mm, फिर से इस फेस को सिलेक्ट करना है, एक सेंटर रेक्टेंगल, फीचर एक्सट्रूड बॉस बेस, इसमें ब्लाइंड कंडीशन में हमें सिलेक्ट करना है अप टू सरफेस, सरफेस ये वाली सिलेक्ट करनी है और ओके कर देना है। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एस्प्लाइन क्रिएट करनी है, इस तरह से एक एस्प्लाइन क्रिएट करनी है। इसके डायमेंशन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक रफली हमने स्केच किया है सिर्फ इसका शेप सेट करने के लिए, फिर भी एक रफली हमें यहाँ पे डायमेंशन सेट कर देता हूँ। इसके एंड पॉइंट की हाइट रहेगी 20 mm, और इस फेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा 13 mm। इसके हैंडल को सिंपली यहाँ से ड्रैग करके वर्टिकल कर देना है। और इसको भी वर्टिकल कर देना है। इसकी गैप थोड़ी बढ़ा देते हैं, हम 14 mm कर देते हैं। इसकी 18 mm कर देते हैं हम। देखिए तो इस तरह से हमने स्केच एक क्रिएट कर चुके हैं हम।
ये स्केच क्रिएट करने के बाद इस लाइन को हम इसके साथ मिला देंगे इस तरह से। फुली डिफाइंड स्केच, कैलकुलेट और ओके। फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट, मिड प्लेन, मिरर, राइट प्लेन, मिरर अबाउट, कट एक्सट्रूड एंड ओके। सिलेक्ट दिस फेस, हमने यहां पे दो कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट की है। सिंपली यहां पे सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट एंटिटी, यहाँ पे एक कॉर्नर रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे हम। दोनों लाइन को सिलेक्ट करने के बाद मेक रिलेशन इक्वल, थर्टी एमएम, और यहां से एटी फाइव अपॉन टू, 42.5। मिरर एंटिटी, सिलेक्ट दिस लाइन एंड दिस लाइन, मिरर अबाउट दिस लाइन एंड ओके। ट्रिम एंटिटी, यहाँ से हमें ये अनवांटेड लाइन को डिलीट कर देना है। देखिए हमारा स्केच क्रिएट हो चुका है। सिंपली फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस पेज अप्लाई करना है। ब्लाइंड कंडीशन रिवर्स अप टू सरफेस, सरफेस हमें यहाँ पे ये बॉटम वाली फेस को सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरह से हमारा ये स्केच तैयार हो गया है। फिलेट 5 mm, यहाँ बॉटम की साइड में फिलेट अप्लाई कर देना है दोनों साइड में।
फिर से फिलेट, फाइव एमएम, फाइव एमएम की फिलेट हम इन सभी जगहों पे अप्लाई कर देंगे। फिर से फिलेट, इस बार 10 mm। फिर से फिलेट सिलेक्ट करेंगे और 10 mm, 1, 2, 3 and 4। फिलेट 3 mm और इन चारों कोने पे हमें अप्लाई कर देना है। स्केच, एक यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे दो होल अप्लाई करने हैं हमें। फेस को सिलेक्ट करने के बाद होल विजार्ड में जाएंगे। होल सिलेक्ट करना है अनसीमेट्रिक और यहाँ पे ड्रिल साइज, हमें सिलेक्ट करना है 14 mm एंड अप टू नेक्स्ट सिलेक्ट, 1 and 2। ओके, इसके डायमेंशन हमने अप्लाई करने हैं। इन दोनों होल के बीच का गैप रहेगा 55 mm। Select this hole and this hole and this line. Make relation symmetric. Fillet. इस बार 1 mm की fillet हम apply करेंगे।
चैम्फर, एट एम एम चैम्फर हमें यहाँ पे लगानी है। इस तरह से हमारा ये फर्स्ट वाला पार्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम इस पे अपीयरेंस अप्लाई करेंगे। तो अपीयरेंस में मेटल में जाना है आपको, मेटल में जाने के बाद आयरन में जाना है, आयरन में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कास्ट आयरन। स्लाइड वाले भाग को हम थोड़ा फिनिशिंग टच देंगे। अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पे स्टील सैटिन फिनिश स्टेनलेस स्टील, अंदर वाली फेस को सिलेक्ट करना है। इसका कलर हम चेंज करेंगे, रेड कलर यहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि ये थोड़ा लुक वाइज अच्छा दिखे। तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट ओके हो गया है, इसको सेव कर देते हैं। डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहे हैं हम। पार्ट वन पार्ट 01 हम के नाम से सेव कर रहे हैं। फिर हम इसको एक फोल्डर में सारे पार्ट सेव कर देंगे।
वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।